और अब यहां पर परमेश्वर कहता है कि अब्राहम से मैं छुपा के रखूं, क्योंकि अब्राहम से बड़ी निश्चय बड़ी जाति उत्पन्न होगी और ये अपने परिवार को जो पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्गों में चलेंगे। एक अच्छा बाप जानता है अपने बच्चों को परमेश्वर में किस तरह से चलाना है। आपके बच्चों के पास पढ़ाई का बहाना होगा संडे, आपके बच्चों के पास ट्यूशन का बहाना होगा, आपके बच्चों के पास कोचिंग का बहाना होगा, लेकिन एक अच्छा बाप अपने बच्चों को चर्च के टाइम पर कहीं नहीं भेजेगा। वो परमेश्वर का दोस्त इसलिए था, आप जानते हैं लूत सदोम और अमोरा जब गंधक और आग से मारे गए तो लूत वहां पर मरता, मैं आपको बता रहा हूं, वो मरता वहां पर। इसका प्रूफ है उत्पत्ति 19 उसकी 29 आयत में, और ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उस तराई के नगरों में जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। परमेश्वर अब्राहम से प्यार क्यों करता, क्योंकि अब्राहम में एक जलसी थी कि मेरा परिवार, उसने बता के रखा था कि ये प्रॉपर्टी चाहिए क्या, ये ब्लेसिंग चाहिए क्या, इज्जत चाहिए तो तुम खुदा के घर में होगे, खुदा की उपासना करते होंगे। बाइबल कहती जब तू अपने बच्चों पर छड़ी चलाएगा तो वो मरेंगे नहीं, और अगर तू छड़ी नहीं चलाएगा तू एक बुरा बाप और बुरी मां है। मैंने माओं को देखा है अपनी बेटियों की गलतियों को छुपाते हुए कि घर में कलेश ना हो, कलेश बचा लिया पर नरक से नहीं बचाया उनको। शर्म आनी चाहिए आपको, घर में लड़ाई तो बचा ली आपने पर अपने बच्चों को ऐसे अंधकार की ओर धकेल दिया जहां वो सारी उम्र संघर्ष करेंगे, शैतान के हाथों में नाचेंगे, रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे। डॉक्टर उस कैंसर के फोड़े को निकाल देता है आपकी बॉडी से, क्योंकि उसे मालूम है अगर नहीं निकालेगा तो फैल जाएगा, तो मर जाओगे। उस दर्द के चक्कर में अगर उस फोड़े को आप नहीं निकालें और वो पूरी बॉडी में फैल जाए तो आप उस मृत्यु का कारण खुद हैं। सबसे पहला प्यार आपका जीसस क्राइस्ट है, आपके बच्चे नहीं, आपका हस्बैंड नहीं, आपकी वाइफ नहीं, आपकी सेवकाई नहीं, आपकी चर्च नहीं, आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आपका धन दौलत सोना चांदी बैंक बैलेंस नहीं। परमेश्वर के सामने ना तो सेवकाई ना परिवार कुछ नहीं आता, परमेश्वर और उसकी सेवा ये दोनों अलग हैं। कुछ लोग सेवा को परमेश्वर बना लेते हैं, फिर सेवा के कंपटीशन के चक्कर में झूठ भी बोलते हैं इतना कि हंसी आती है लोगों के ऊपर, हालेलुया, कि मैं पीछे ना रह जाऊं चाहे झूठ बोलना पड़े, क्योंकि उनकी सेवा खुदा है, मेरी सेवा मेरा खुदा नहीं है, मेरा खुदा ही मेरा खुदा है। अब्राहम का खुदा पैसा नहीं था, इसलिए उसने परिवार को स्ट्रिक्टली परमेश्वर में चलाया, और यही कारण था कि परमेश्वर कहता था कि ये मेरा दोस्त है, क्योंकि ये अपने और अपने परिवार को भी अपने पीछे परमेश्वर में चलाएगा। परमेश्वर को पसंद आई अब्राहम की वो दोस्ती, अब्राहम की वो जेन्युइननेस, वो जेलसी खुदा के लिए जो उसके दिल में परमेश्वर के लिए थी। बाइबल कहती जो तू बोएगा वो तू काटेगा, तू परमेश्वर के सामने जितना रखेगा परमेश्वर कहता है मैं तुझे उतना वापस करूंगा, और हिला हिला के दबा दबा के वापस करूंगा। लेडीज आटा देती ना ऐसे, और जब आप वापस करते थे तो कहता है मैं दबा दबा के फिर हिला के फिर दबा के फिर भर भर के तुझे वापस करूंगा जितना तू देगा। तो वो सिरदर्दी है तो सिरदर्दी भर भर के वापस आएगी, और अगर वो परमेश्वर के काम में पवित्रता ही जलसी खुदा के लिए बढ़ना है तो वो वैसे वापस आएगी। और बाइबल कहती है अपने, उसने लिखा कि अपने बच्चों को अपने परिवार को भी जो पीछे रह जाएंगे कि वो आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल रहे, कमांड करेगा, सलाह नहीं देगा भिखारियों की तरह कि बेटा अच्छी तरह से चल, के बेटे को कुछ बोल दिया तो बेटा ऐसा ना कर ले वैसा ना कर ले।
जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो आपको हियाव रखना है, आपको दलेरी रखनी है, आपको अपने परिवार को बचाना भी है। और कई बार आपको फोर्सफुली शैतान से लड़ते हुए अपने परिवारों को बचाना पड़ता है, और इसीलिए परमेश्वर उससे प्यार करता था। लूत अपनी प्रेयर से नहीं बचा, लूत अब्राहम से जो दोस्ती खुदा की थी उसके कारण बचा। लूत का परिवार मसीह में नहीं था, यहोवा में नहीं था। उसकी लड़कियां जो थीं, जो उनके दामाद थे, जब उसने परमेश्वर के बारे में बताया कि यहां पर गंधक आग बरसेगी, तो अगर आप बाइबल की स्टडी करें तो कहता उसके दामाद हंसने लगे, कहते बुड्ढा खिसक गया, पागल हो गया, और उसके साथ नहीं आए। उसकी बेटियों ने सोकर उसके साथ मोआब को और अम्मोनियों वंशी को पैदा किया, जिससे परमेश्वर नाराज हुआ, जिससे परमेश्वर ने उस पूरे वंश को श्रापित किया कि अम्मोनी और मोआबी मेरे भवन में ना आने पाए। बाइबल कहती लूत उन लोगों के, सदोम अमोरा के लोगों को देखकर दुखी था, पर बस दुखी था, बस करता कुछ नहीं था। जैसे मैंने देखा कई घरों में माएं दुखी होती, हाँ मेरा बेटा प्रेयर नहीं करता, बस दुखी हैं, ना तो वो उसके लिए प्रेयर करती हैं, ना तो उसको वो डांटती हैं, ना वो उसको चर्च आने के लिए बोलती हैं कि घर में कलेश ना। ओके, आप कलेश ना करो, लेकिन अपने बच्चों को नरक की ओर भेज दो। आपको कई बार अपनी पोजीशन लेकर एक वॉरियर की, एक फौजी की, अपने अधिकारों का प्रयोग करके सांसारिक दृष्टि से भी और आत्मिक दृष्टि से भी अपने परिवारों को बचाना होता है। लूत अपने परिवार को बचा नहीं पाया, वाइफ उसकी नमक का खंबा बन गई जब उसने पीछे की ओर मुड़ के देखा। उसके दामाद चले गए, लड़कियों ने गलत काम कर लिए, और उसके बाद अगर आप लूत को देखेंगे तो पूरी उसकी आशीष भी एक दिन फिनिश हो गई, सब खत्म हो गया। लूत की ब्लेसिंग का कारण अब्राहम की संगति थी, और उसे लगा कि शायद मैं अपनी मेहनत से सफल हो रहा हूं। और वो जब अब्राहम ने कहा लड़ मत, मेरे चरवाहों के साथ चला जा, तो वो चला गया। उसने ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा नहीं, मुझे अपने तरीके से कहीं भेज दे, कहीं मुझे एरिया दे दे, तू वहां आया जाया कर। लेकिन जब शैतान दिमाग खराब करता है तो लोग नाश की ओर चल पड़ते हैं। जो लोग जिनकी लाइफ में खुदा की सेवा की बुलाहट है, आपको कई बार सुनना होता है वो आपको क्या कहते हैं, हलीम होना होता है उनके सामने कि वो क्या कहते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर की सेवा करने वाले दो गुने आदर के योग्य समझे जाए। हालेलुया। मैंने लोगों में एक बड़ी बुरी और एक डफर बात देखी है। मान लो मैं अपने स्पिरिचुअल फादर का नंबर अगर मेरे पास है तो मैं कभी भी ऐसा नंबर उठाकर उनको नहीं बोलता, आई एम प्रेइंग फॉर यू, नेवर। मैं उनके लिए प्रेयर करता हूं, मेरी बाइबल में रिटर्न पॉइंट है उनके लिए प्रार्थना करना, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना। लेकिन मैंने कभी यह डफर गुना नहीं किया कि मैं उनको लिखूं आई एम प्रेइंग फॉर यू, नेवर। ये डफर गुना है जो लोग करते हैं। आप कभी वो मैन ऑफ गॉड जो आपसे कहीं अधिक स्पिरिट में ऊपर है, आप उसको कभी मैसेज मत करें आई एम प्रेइंग फॉर यू। आपको प्रेयर करनी है, पॉलुस भी कहता है मेरे लिए प्रेयर करो, लेकिन ये कॉमन सेंस है जो लोगों के पास नहीं है। किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से बात को रखना है, क्या बोलना है, तो बाइबल कहती परमेश्वर के दास दो गुने आदर के योग्य समझे जाएं। बहुत सी चीजें हैं आप इन बाइबल टीचिंग के दिनों में समझेंगे, और खुदावंद आपको बरकत देगा और वो आपको आशीष देगा।